My name is Rose Hakim, and my husband and I are living here in this Basti, Nai Basti, Bas Mandi, for 2 years now. I think the Global Dream Project has a lot of potential because it's a great format to help people start reading quickly and quite well. But anyone to be able to read will need to keep pursuing and practicing for a long time. And then beyond that, the motivation to keep on seeking those materials is really important. ग्लोबल ड्रीम का जो ये कॉन्सेप्ट है उसमें इन्होंने हमें दो किताबें उपलब्ध कराई हैं जो कि ये इसका पहला कदम है जिसमें एक किताब है बिना मात्रा वाली एक किताब है मात्रा वाली वो दोनों किताबें बहुत ही पतली पतली हैं बहुत ही कम पन्नों की हैं उन दोनों किताबों में आप ये समझिए किसी भी एक व्यक्ति को अगर 20-20 मिनट लगातार आप 15 से 20 दिन भी देंगे पढ़ना और लिखना सीख जाता है जब वो कुछ पढ़ना सीखता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी आने के लिए वो उत्साहित होता है बच्चों की जो पढ़ाई है उसको इंटरेस्टिंग बनाया गया है मेरा नाम रेशमा है मैं अकबर नगर में रहती हूँ मुझे यहाँ पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था मैं भी काफ़ी पढ़ना चाहती थी आगे लेकिन नहीं पढ़ सकी तो मैं यहाँ इन लोगों को पढ़ाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपने मन से इन लोगों को कुछ करना चाहती हूँ उनके लिए पढ़ाई के तो बहुत से फ़ायदे हैं अंगूठा छाप ना रहे कहीं भी गए या कहीं भी कुछ हुआ तो जैसे दूसरों से पूछते हैं कि यह क्या जगह ये किस जगह का नाम है तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये इस जगह है आजकल के दौर में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लोबल ड्रीम काफ़ी आसान इजी बुक है जो यहाँ पढ़ने में थोड़ा चित्र भी बना गए आ से अनार जैसे बा से बस हुआ या बतख तो ये मिला के जो बना है बहुत अच्छा है लोग समझ जल गई हैं और जल्दी काफ़ी समझ गई हैं इससे और बहुत इजी बुक है ये इसलिए लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ये खुद ब खुद आ जाते हैं पढ़ने के लिए वो हमसे कहते हैं कि दीदी हमको ये पढ़ना है मेरा नाम पूजा गौतम है लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है कि ये लोग भी पढ़ने के लिए इतने उत्सुक हैं कि हमें भी बहुत इन्हें पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है ग्लोबल ड्रीम ने जो इस चीज़ के बारे में सोचा है बहुत अच्छा सोचा है क्योंकि इनके इन्होंने जिस तरह से किताबें को बनाया है कि ताकि ये लोग अच्छे से पढ़ सकें स्टेप बाय स्टेप क्योंकि सरलता से ही इन चीज़ों को बनाया गया है ताकि ये लोग अच्छे से पढ़ सकें और यहाँ स्टोरीज हैं वर्ड्स हैं कार्ड हैं और कुछ बॉल्स हैं ताकि काउंटिंग कर सकें कि ग्लोबल ड्रीम ने इतना अच्छा किया है ताकि यहाँ पे लोग आके पढ़ा सके और साक्षर लोगों को साक्षर कर सके तुम बच्चों को पढ़ा रही हूँ अभी तो 6 ही लोग आए हैं मेरे पास पढ़ने के लिए उन्हें पहले मैं पिक्चर्स देख करके कहती हूँ इस पर फोकस करो वो देख करके बताते हैं जो ये पिक्चर्स बनी हुई है उनसे पूछती हूँ जब उनसे पहला वर्ड निकलता है तो पूछती हूँ क्या निकल रहा है पढ़ाने में तो अच्छा लग रहा है पढ़ जाएंगे तो अपने बच्चों की डायरी अपने सिग्नेचर करना ही सीख जाएंगे और पेपर पढ़ना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा है हम गुलाब खेड़े में रहती हूँ 17 से 35 साल तक बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं बोला एक दो लोग को तो बहुत दीदी खुशी है वो लोग आती हैं कि हाँ दीदी नहीं है अपना तो घर में बैठे रहते यहाँ आए हैं तो कुछ तो पढ़ते हैं पहले एक दिन तो 3 ही लोग आए उसके साथ साथ आज दीदी 15 लोग आने लगे मैं कुरोनी मजरे में पढ़ा रही हूँ ग्लोबल ड्रीम पुस्तक से बच्चों को पढ़ा रही हूँ 20 बच्चे आते हैं उसमें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं 15 से 35 साल के तो ये बात अच्छी लगी कि मेरा नाम लिखाना ये सिखाएंगी तो इसी से वो लोग आने को तैयार हुए अब मेरी क्लास में बैठते हैं तो उनको चित्र देख करके उनको पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ते हैं